जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाटी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पे कृषि फसल बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार NCDX कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे एग्री कम्युनिटीज़ में कैसा सीड से। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि शाम के कारोबारी सत्र में कैसा सीड का वायदा बाजार जो है जो ट्रेड करता नजर आ रहा है, जिस हिसाब से सुबह के कार्रवाई सत्र के मुकाबले फरवरी वायदा 6228 पर ही है, 6270 का ही लगा चुका, आधे फीसदी की करेक्शन है। हम देख रहे हैं कि कैसे सीड का वायदा बाजार 6200 के ऊपर ही सस्टेन होकर चल रहा है, 6200 के ऊपर ही सस्टेनेबिलिटी के साथ ट्रेडिंग करता नजर आ रहा है सुबह के कार्रवाई सत्र के मुकाबले। शाम में अभी आज के कारोबारी सत्र में थोड़ी सी करेक्शन और ज़्यादा गहरा आ गई है, 6200 के लेवल्स दिख चुके हैं, 6202 का लो भी लग चुका है। आपको बता दें कि कैसा सीड में अभी जो एक्सपर्ट्स थे वो तेज़ी बता रहे थे कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैसा सीड में यहाँ से तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन अब देख रहे हैं कि यहाँ से एक हल्की सी मुनाफा वसूली भी बनती नजर आई है। लेकिन मुनाफा वसूली के बावजूद कैसा सीड का वायदा बाजार 6200 के ऊपर ही सस्टेन होकर ट्रेड करता नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कैसा सीड में आगे बाजार मंदा रहेगा या तेज। बात करें यहाँ से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का फरवरी वादा देख रहे हैं 3226 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 2.5% की करेक्शन आज बिनौला खल में बनती नजर आ रही है। देख रहे हैं कि बिनौला खल का फरवरी वादा 2.5% की गिरावट के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है, बिनौला खल में 2.5% की गिरावट बनती नजर आ रही है, ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग बिनौला खल में बनती नजर आई है। आपको बता दें कि वैसे तो फंडामेंटल्स बिनौला खल के यानी कॉटन सीड ऑयल केक के मजबूत हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनती नजर आई है, जिसकी वजह से हम अभी बिनौला खल के वायदा बाजार के NCDX पर लानिशान पर ट्रेड करते देख रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर बिनौला खल में कुछ खरीदारी करनी चाहिए या फिर थोड़ा रुक कर और वेट करना चाहिए जिसले निचले स्तर पे खरीदारी करके चला जा सके, क्या स्ट्रेटेजी बनाकर चलना सही रहेगा, जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट टाइम सीवी पर। नमस्कार। नमस्कार अजय जी। अजय जी, सबसे पहले आपसे बिनौला खल के ऊपर चर्चा करना चाहूंगा। आपने मार्केट टाइम सीवी के माध्यम से हर बार बिनौला खल में तेजी बताई है कि बिनौला खल में साल 2022 में काफी शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। सबसे पहले आप ही ने लेवल दिया था कि बिनौला खल एक बार फिर से 3400-3500 तक के लेवल दिखा सकता है, इनफैक्ट आपने 3800 से 4000 तक के भी लेवल दे रखा है। लेकिन आज के कारोबारी सत्र में देख रहे हैं बिनौला खल 2.5% की करेक्शन के साथ 3300 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। अजय जी, हम देख रहे हैं कि बिनौला खल काफी समय से 3300 के ऊपर ही ट्रेड करता नजर आ रहा है, स्टक हो गया यहाँ पर। आपको क्या लगता है बिनौला खल में अच्छी तेजी कब तक और देखने को मिल पाएगी? देखिए, जैसे मैंने बिनौला खल में तेजी बताई थी 2400-2450 से हमने ऑलमोस्ट 3400 टच ऑलरेडी कर चुके हैं। बिल्कुल, मेरा जो टारगेट है वो 4000 प्लस का है, 3800-4000 का लेवल मार्च तक दिखा देगा। अगर हम 1000 पॉइंट की तेजी के बाद अगर 200-300-400 पॉइंट की गिरावट आ भी जाती है तो हम लोग उसको करेक्शन नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे छोटा एक पुल बैक है मार्केट में। कभी भी वन साइड मार्केट नहीं चलता है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है आपको फंडामेंटल देखना है, ना कि टेक्निकल। टेक्निकल में आपको ओट्स बॉट में भी दिखेगा, मार्केट में करेक्शन दिखेगा, लेकिन आप फंडामेंटल देखिए। जो क्रॉप हम 370 की जगह 360 की बता रहे थे, फिर 348 आ गया है, जबकि हाजिर मार्केट में 320 भी बताने के लिए घबरा रहे हैं लोग। और डिमांड भी कहीं ना कहीं डेयरी इंडस्ट्री जगह से कंटिन्यू बन रही, नो डाउट। B2B में हमने थोड़ा स्लो डाउन देखा ऊंचे भाव में, तो आई थिंक जो ये 200-250 रुपए का जो करेक्शन मैं देख रहा हूँ 3100-3150 तक, ये एक लेने के लिए बिल्कुल वापस जो लोग छूट चुके हैं इस रैली में, उनके लिए ये लेवल बहुत मैथिन हो जाएगा। जब तक प्राइस 2950 के ऊपर फरवरी वायदा मेंटेन है, बिल्कुल तेजी का रुख है, फंडामेंटल अभी भी तेज है। अराइवल्स आप देखिए पिछले सालों के मुकाबले दिसंबर जनवरी में जबरदस्त गिरावट दिखा रहे हैं जी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन है, जब तक 3400 के ऊपर वापस नहीं जाता है, 3100-3150 तक का लेवल मिलेगा, वहां पे आपको नई पॉइंट फिर से बनानी चाहिए। और जो लेवल मैंने आपको नवंबर दिसंबर में बताया था कि 4000 का लेवल बिनौला खल दिखाएगा, वो मुझे बिल्कुल लगता है कि 4000 का लेवल मार्च तक आपको दिखा देगा जी।
तो यानी कि 4000 तक के स्तर अभी भी बिनौला खल में देखने को मिल सकते हैं। अजय जी के मुताबिक बिनौला खल में पॉजिटिव ही रुझान है। अजय जी बिनौला खल को लेकर काफ़ी पॉजिटिव ही हैं और उनके अनुसार मार्च 2022 तक बिनौला खल में 4000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर बिनौला खल यहाँ से अगर टूटता है तो अजय जी के मुताबिक नीचे में 2950 तक भी जा सकता है। 2950 के जब तक ऊपर है तब तक तेजी का ही रुझान है। निचले स्तर से बाइंग इनिशिएट फिर से बिनौला खल में देख हो सकती है और बिनौला खल में निचले स्तर पर खरीदारी में रहा जा सकता है। ओवरऑल फंडामेंटल्स बिनौला खल में अभी भी मजबूत ही है। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लेस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।